हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट गणेशा। तो दोस्तों, जीवन में परेशानी तो सबको आती है, कठिनाई सबको होती है दोस्तों, लेकिन इन पंचदेव की पूजा अर्चना करने से आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, समस्या कुछ भी क्यों ना हो, विवाह संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, नौकरी संबंधी और व्यापार संबंधी, दोस्तों यदि मकान लेने की सोच रहे हो, दोस्तों कौन सी भी आर्थिक तंगी क्यों ना हो, सभी परेशानी का अंत है, सिर्फ आपको पंचदेव की पूजा करनी है दोस्तों। ये पूजा आराधना करने से आपके सभी काम बनने लगेंगे। तो चलिए जानते हो दोस्तों, ऐसे कौन से भगवान है कि दोस्तों ऐसे कौन से पंचदेव है जिनकी पूजा करने से, आराधना करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, इन पंचदेव की पूजा से होगा हर परेशानी का अंत। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं देखा तो क्या देखा, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना हो। जी हाँ, चाहे जितना अमीर इंसान क्यों ना हो, इसके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की टेंशन तो होती है। अब हर कोई यही चाहता है कि उसका जीवन समस्या से मुक्त हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि इनसे यानी कि इन सब परेशानी से छुटकारा कैसे पाया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अपनी लाइफ की दिक्कतों को कम करने के लिए ज्योतिष में कुछ बहुत ही खास उपाय बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके जीवन में कई तरह की परेशानी या समस्या है, तो जिस कारण आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रही है, तो दोस्तों आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल 5 देवताओं में से किसी भी एक के शरण में चले जाए दोस्तों, जिनकी कृपा से आपकी सभी परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, हर रोज भी आप इन 5 देवता की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी परेशानी का अंत हमेशा के लिए हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ऐसे कौन से पंच महादेव है। तो दोस्तों, एक नंबर पर आते हैं भगवान सूर्य नारायण। जी हाँ, सूर्य से ही सारी सृष्टि का प्रकाश है, और सूर्य ही एक ऐसे देवता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। पंचतत्व में सूर्य को आकाश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, भगवान सूर्य नारायण को सुबह उठते ही जल देने से, अर्घ देने से आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, आरोग्य में प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये पहला काम अवश्य करें। तो दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं भगवान गणेश। दोस्तों, गणेश जी सभी देवता में प्रथम पूजनीय है, इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए हर मांगलिक कार्य में सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है, जिससे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से आपके शुभ काम में आरंभ हो जाएगी। तो दोस्तों अवश्य करें। तो दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों भगवान शिव और माँ दुर्गा। भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा दोनों से ही सृष्टि का आरंभ है, ये समस्त जगत के माता पिता है। माँ दुर्गा स्वयं प्रकृति है, तो भगवान शिव दोनों के भी देव है। दोस्तों, भगवान शिव देवों के भी देव है, जीवन और काल भी इन्हीं के अधीन है। तो दोस्तों, इनकी पूजा अर्चना करने से आपको सब कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों अवश्य करें। तो दोस्तों, नंबर 5 पर आते हैं श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु समस्त जगत के पालन करता है, सृष्टि के संचालन का भार इन्हीं पर है, इसलिए हर शुभ कार्य में विष्णु जी की पूजा करने का प्रावधान है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी से विष्णु जी के जागृत होने के बाद ही मंगल कार्यों का आरंभ होता है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की हर रोज पूजा अर्चना करने से दोस्तों महालक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। तो दोस्तों, धन संपत्ति चाहिए तो भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु जी की पूजा करने से स्वयं महालक्ष्मी चली आती है। तो दोस्तों, इस तरह पंचदेव की पूजा अर्चना करने से आपके सभी काम अवश्य बनेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय श्री विष्णु नमः, जय श्री महालक्ष्मी नमः, दोस्तों ओम गण गणपते नमः, माँ दुर्गाय नमः।
दोस्तों ओम सूर्याय नमः। दोस्तों इनमें से एक भी भगवान का आप नाम कमेंट करते हैं तो आपकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण होंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।